हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजियोनेक्स इंदौर। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो का टॉपिक है स्ट्रेचिंग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्ट्रेचिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, स्ट्रेचिंग कैसे की जानी चाहिए और स्ट्रेचिंग नहीं करने से क्या क्या नुकसान होता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी से रिलेटेड वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्ट्रेचिंग जो है, आप सभी लोग समझते होंगे स्ट्रेचिंग मतलब कि जब हम मसल्स को खींचने वाली एक्सरसाइज करते हैं। योगा में भी जो लोग करते हैं वो सारी जो अलग अलग पोस्चर करते हैं, पैरों को पकड़ना, इस टाइप से ये स्ट्रेच करना, चेस्ट का स्ट्रेच करना, पैरों को खड़ा करना, पैरों को पकड़ना, हर मसल के लिए हम स्ट्रेच करते हैं। और स्ट्रेचिंग बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप पूरी बॉडी का डेली बेसिस पे 10 से 15 मिनट स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपको कोई भी मैकेनिकल पेन होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल पेन यानी बैक पेन, शोल्डर पेन, नेक पेन, खास करके कम एज में, मिडिल एज में इनके होने की जो वजह रहती है वो रहती है लैक ऑफ मोबिलिटी एंड लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। लैक ऑफ स्ट्रेंथनिंग जो कारण होता है वो ओल्ड एज में ज़्यादा होता है। तो जो मिडिल एज और लोअर एज है यानी जो यंग और एडल्ट लोग हैं, जो कि सीनियर सिटीजन नहीं हुए हैं, उनमें लैक ऑफ मोबिलिटी और लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यही दो कारण हैं हर तरह के दर्द के, मैकेनिकल दर्द के, जैसे बैक पेन, शोल्डर पेन, नेक पेन, ETC, इन सारे दर्द के। तो स्ट्रेचिंग करके आप मोबिलिटी के लिए तो आपको आरओएम एक्सरसाइज करना है, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करना है, मतलब आपका जॉइंट को पूरी रेंज में मूव करना है ना। सपोज आपका पैर है तो वो जितना आगे पीछे आता है उसको उठाना है, मूव करना है, है ना। मोबिलिटी एक्सरसाइज में मेरे हर एक्सरसाइज की वीडियो में बताता हूँ आपको, एंकल की, घुटने की, हाथों की, सब की, है ना। और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के लिए भी मैं कंप्लीट वीडियो बहुत ही जल्दी डालूंगा जिसमें आपको फुल बॉडी स्ट्रेचिंग बताऊंगा जो कि आप डेली 10 से 15 मिनट करके सारे पेन से बच सकते हैं और आपको जो पेन है वो भी धीरे धीरे आपको ठीक हो जाएंगे, आपके धीरे धीरे वो पेन ठीक हो जाएंगे स्ट्रेचिंग और बाकी एक्सरसाइज की हेल्प से। तो स्ट्रेचिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। स्ट्रेचिंग का सबसे पहला फ़ायदा है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। मतलब अगर आप डेली बेसिस पे स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, आपके जॉइंट का पूरे रेंज में चलना। जैसे जो आप सभी लोगों ने स्कूल में किया होगा कि जब हम खड़े होके अपने मतलब जो पैरों को जमीन पर टच, सॉरी हाथों को जमीन पर टच करते हैं तो वो किसी के हो पाते हैं, किसी के नहीं हो पाते। तो जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है उनकी हो जाती है। तो स्ट्रेचिंग करने से आपकी जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, सबसे मेन कारण है जिसके लिए हम स्ट्रेचिंग करते हैं और इसका सबसे मेन बेनिफिट है। इसके अलावा दूसरा बेनिफिट स्ट्रेचिंग करने से आपको ये होता है कि इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी उस पर्टिकुलर मसल्स में इम्प्रूव होता है, तो वहाँ पर न्यूट्रिशन और ब्लड भी प्रॉपर पहुँच पाता है। तीसरा बेनिफिट स्ट्रेचिंग का ये है कि स्ट्रेचिंग करने के बाद आपको एक बहुत ही रिलैक्स फील आता है। आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल, आपका मूड बिल्कुल काम हो जाता है, बिल्कुल आप रिलैक्स फील करते हैं और आपका जो स्ट्रेस है, मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस है, वो भी धीरे धीरे कम होता है। और स्ट्रेचिंग करने से आपको क्या फ़ायदे हैं, तीन मेन फ़ायदों के अलावा, कि आपका एक जो फ्लेक्सिबिलिटी तो बनी रहेगी, है ना, आपको रिलैक्स भी लगेगा और आपका ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर होगा। इसके अलावा आपको, अगर आप सुबह सुबह उठते ही बेड पे मॉर्निंग टाइम में थोड़ा स्ट्रेचिंग करते हैं, हल्की फुल्की मोबिलिटी और स्ट्रेचिंग करते हैं, तो जो मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है, बहुत से लोगों को सुबह सुबह हाथ पैर अकड़े लगते हैं, वो अकड़न भी नहीं होती और वो प्रॉपर सुबह से ही उनकी मोबिलिटी प्रॉपर होती है और वो पेन से बच जाते हैं। सेम रात के टाइम में भी कुछ हर तरह की नहीं लेकिन कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेचिंग रहती है जो आप रात में सोने से पहले भी कर सकते हैं, तो इससे आपको एक रिलैक्स नींद आती है, मतलब आपका स्लीप बहुत अच्छा होता है। इनसोमेनिया, नींद ना आने की जो प्रॉब्लम है स्ट्रेचिंग के थ्रू आप उससे भी बच सकते हैं, यानी आपकी नींद ना आने की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है, है ना। और तो ये बेनिफिट है स्ट्रेचिंग के, स्ट्रेचिंग आपको ज़रूर करना चाहिए। सबसे मेन बेनिफिट है आपका पेन का कम होना या पेन से आपको बचाना और पेन है तो उसे ख़त्म करना। स्ट्रेचिंग, बॉडी स्ट्रेचिंग का फुल वीडियो मैं चैनल पर जल्दी अपलोड करूंगा जिसमें देखकर आप प्रॉपर आपकी कंडीशंस के हिसाब से स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको क्लियर होगा कि स्ट्रेचिंग करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। अब एक और चीज़ बता दूं, स्ट्रेचिंग कैसे करना चाहिए।
तो हम जो वार्म अप में करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज के पहले करते हैं, जिसको हम डायनेमिक स्ट्रेच बोलते हैं, उसमें क्या होता है, हम मोबिलिटी वाले स्ट्रेच करते हैं, क्विक स्ट्रेच करते हैं, और जो हम वर्कआउट के बाद में करते हैं या जनरली जो हमें करना चाहिए, वो होते हैं अपने सस्टेनेबल लॉन्ग स्ट्रेच। मतलब आप जो भी स्ट्रेच करें उसको कम से कम 10 से 15 सेकेंड के लिए होल्ड करें, है ना। ये स्ट्रेच करने का एक प्रॉपर तरीका है। तो करने के क्या फ़ायदे हैं, कैसे करना है, ये मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। बहुत ही जल्दी मैं चैनल पे फुल बॉडी स्ट्रेचिंग का वीडियो डालूंगा, जर्नलाइज्ड बॉडी स्ट्रेचिंग, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो फिजियोथेरेपी, फिटनेस, रिहैब एंड योगा के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।